नमस्कार किसान साथियों, ये पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला आपका। जो अपन चौला निकालते हैं हाइब्रिड क्वालिटी का, कोई सा भी चौला जो हल्का पतला हमारा आता वेस्ट हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि उस चौले से कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। अपने एक भैया भाभी है जो कि रात को मंडी में, यूँ मान लो 12 बजे से आए हुए हैं, वो इन जो मोटा माल है इनके चौले के बीज और दाने वगैरह जो निकाल रहे, जो कि बिक रहा है बाजार में 150 से 200 रुपये किलो। बाकी ये है कि ये चौला हाथों हाथ निकालना पड़ता है, इसको बाद में निकालते हैं तो ये चौला थोड़ा काला वाला पड़ने लगता है। मैं भैया जी अपने में कहा का नाम है अपनो? कैलाश कोतवाल। कैलाश जी कोतवाल है। मैं भैया अपन ये कितने की पल्ली लाए? एक ये 10 रुपये किलो का। 10 रुपये किलो की पल्ली लाए और ये अपन जो मतलब रात को 12 बजे से मंडी में आए हुए हो, तो ये 3 बजे तक निकालोगे फिर इसको होटल पे दोगे कि खेरची भेज दोगे? खेरची भेज देते हैं और ठेला गाड़ी वाले भी। अच्छा, क्या भाव बिक रहा है काका? ये 150 से 200 रुपये किलो बिक रहा है। 40 रुपये पाव 50 रुपये पाव बिक रहा है। बाकी ये हाथों हाथ निकाल दोगे बाकी, है ना? खराब हो जाता है फिर, ज्यादा दे देता ना ऐसा खराब पड़ जाता है। मतलब क्वालिटी देख सकते हैं इसकी। बाकी ये हाथों हाथ निकालना पड़ता है, इसको ये घर से छील के लाएंगे तो ये लाल और खराब पड़ने की इसकी संभावना ज्यादा है बाजार में। भाई ये मेहनत का काम है, थोड़ी मईक मारी का काम इसमें ज़्यादा ज़्यादा है ना। रात को 12 बजे से आए हैं, 2 पन्नी है जिसमें 2 पन्नी में से अभी इतना बचा हुआ है, सुबह हो जाएगी इसे। और बाकी बिका तो ठीक है, बाकी होटलों पे आप दे दोगे इसे? बहुत बहुत बढ़िया भैया जी, मेहनत का काम। और कहीं ना कहीं एक एक फली में से पूरे दाने निकालने पड़ते हैं, जो कि बहुत मईक मारी वाले जैसा भी काम कह सकते हैं इसको आप। मेहनत का काम है। ठीक ठीक काका जी।